तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी। तो उसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। सबसे पहले मिर्च को फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो गाइस तेल गर्म हो गया है। अब सबसे पहले शिमला मिर्च को बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब मैं इधर लगाती हूँ तड़का। हम कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, क्योंकि गाइस हमने इसे भी और फ्राई किया है मिर्चों को और आलू को, तब इसमें आप थोड़ा तेल डालेंगे, नहीं तो हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सामने की काम लेती हूँ, यह थोड़ा सा डाल और थोड़ा सा डालेंगे जीरा। मेरे पास धनिए के साबुत चीज और मुझे जीरा बस हम एक दो चीज कर लेंगे। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है तो मैं डाल देती हूँ इसमें। और ये है मेरे पास प्याज, इसे हम डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने सब्जी बनाते हैं
करिए तो आप कलर चेंज हो चुका है, तो आप डाल दीजिए इसमें टमाटर। आप देख सकते हो कि मेरी सब्जी का कलर भी कितना अच्छा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी एक बार जरूर ट्राई करना मेरे तरीके से शिमला मिर्च की सब्जी, कैप्सिकम भी डालो। देख सकते हो जो मैंने इधर मसाला भुना था इस फ्राई पैन में, वो हमने इसमें मिला दिया है, जो फ्राई हमारी मिर्च और आलू है उसमें। तो अभी ये थोड़े आलू कच्चे होंगे और मैं इसे ढक देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि जो हमारी सब्जी है वो बन के तैयार हो चुकी है। देख सकते हो आलू हमारे वो भी पक चुके हैं। तो हमारी जो टेस्टी टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। और गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। शिमला मिर्च फ्राई करके बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देख सकते हो आप हमारी सब्जी का कलर भी कितना अच्छा है और वैसे भी बहुत ही अच्छी बनी है। इसी आस पे, इसी उम्मीद पे मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देख सकते हो आप पास में से दिखाते हो आपको।